शहर का आसरा शिशु गृह विवादों के घेरे में आ गया है। इस शिशु गृह में 2 माह के बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बच्चे की मौत अचानक हो जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये शिशु 10 जनवरी को इटारसी अस्पताल में लावारिस हालत में मिला था। शिशु को कोई वहां छोड़कर चला गया था। बाद में बच्चे को आसरा शिशु गृह लाया गया था, जहां उसका पालन पोषण किया जा रहा था। उसका नाम भी ओजस रख दिया गया था। बताया जा रहा है कि शिशु पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई। इस संबंध में शिशु गृह प्रबंधन का कहना है कि बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। इटारसी से आया हुआ था, ये बच्चा पूर्णतः स्वस्थ था, बराबर इसका देखभाल हमारे यहाँ केयरटेकर कर रहे हैं। मैं भी वहीं मौके पर था। सुबह 6:30 बजे बच्चे को दूध पिलाया, उसके बाद बच्चा सो गया। उसके बाद बच्चे को दुआए उन्हें 8 बजे देखा, 8:15 बजे तो बच्चा थोड़ा जकड़ा हुआ नज़र आया। फिर बच्चे को तुरंत जिला चिकित्सालय होशंगाबाद में लाए, तो यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, जरा भी मामला लापरवाही का नहीं है। शिशु गृह का एक दिन पहले ही केंद्रीय दल ने निरीक्षण किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और उसे बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। गजेंद्र राजपूत, APN, होशंगाबाद।